बिना कंडेंस मिल्क यूज़ किए, बिना कोई क्रीम यूज़ किए घर पर बनाइए केसर पिस्ता कुल्फी, वो भी मलाईदार। आई एम श्योर कि आप ये बोलेंगे कि ये बाज़ार से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे घर वालों का यही मानना है। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। एक भारी तले के बर्तन के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क। कुल्फ़ी बनाने के लिए फुल क्रीम मिल्क का ही इस्तेमाल करें, वरना आपकी कुल्फ़ी मलाईदार या बहुत क्रीमी नहीं बनेगी। अब हम अपने गैस को मीडियम पर चालू कर देंगे और एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे अपने दूध के अंदर। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके दूध के ऊपर मलाई जम रही है, उस मलाई को आप इस तरह से मिक्स करते रहिए दूध के अंदर। अब देखिए दूध के अंदर बॉयल आ चुका है। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, तो मीडियम टू लो हीट पर ही हम अपने दूध को रिड्यूस करेंगे, यानी उसे कढ़ाएंगे ताकि वो गाढ़ा हो जाए। बॉयल करते करते आपका दूध जो है वो क्वांटिटी में हाफ़ हो जाएगा। तो जैसे ये आधे क्वांटिटी में हो जाए, आप इसके अंदर डाल दें केसर। केसर को अच्छे से मिक्स कर दें। केसर को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेशली कुटा हुआ इलायची का पाउडर, कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ता, आप चाहें तो कटे हुए काजू भी डाल सकते हैं, केवड़े का जल या केवड़ा एसेंस, आप चाहें तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। करीब 2 से 3 मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। खांडसरी चीनी का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लें और उबलने दें इस दूध को, जब तक कि ये 1/4 यानी 1/4 के अंदर क्वांटिटी के अंदर नहीं हो जाता। जैसे ये 1/4 क्वांटिटी में आता है, मैं इसमें डाल रही हूँ खोया। खोया को भी अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, जब तक कि ये सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन नहीं हो जाती। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। तो देखिए सब अच्छे से मिक्स हो चुका है, घुल चुका है खोया दूध के अंदर। तो अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और ऑफ़ करने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने दिया है। ठंडा होने के बाद देखिए ये कैसा दानेदार हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल मलाईदार, परफेक्ट। इसे मैंने अब डाला है मोल्ड्स के अंदर। मोल्ड को कवर कर देंगे, कवर कर दें वरना आपके कुल्फ़ी के अंदर बर्फ़ जम जाएगी, इसलिए कवर करना बहुत ज़रूरी है। कवर कर कर इसे रात भर या करीब 12 से 14 घंटे के लिए फ्रीज़ होने दें। फ्रीज़ करने के बाद आपको पता है क्या करना है, डीमोल्ड करना है। चॉप्ड पिस्ते के साथ सर्व कीजिए, मज़ा उठाइए घर बैठे बिल्कुल मलाईदार कुल्फ़ी का। और हमारे पेज को भी फॉलो करना है, लाइक करना है इस रेसिपी को और शेयर करना है। और हमारी अगली रेसिपी का इंतज़ार करते करते स्टे हेल्दी स्टे ब्लेस्ड।